हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो बिंदी सोई थी ना, तो निकल गई है। और ये सूट इतना कंफर्टेबल है कि बिल्कुल इस वजह से पहन नहीं रखा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया अस्तर का सूट है मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थैली खोलती हूँ मैं, तो वो थैली खोलते हैं हम चाकू से। चाकू से यहाँ पर इधर देख 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 कोको, 1 2 3 इधर इधर देख, सामने सामने। ए इधर देख, दे दे यरी क्वाड के पीछे, ए यहाँ यरी 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 देख। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं किचन में। और किचन में यहाँ पर हमने बारीक वाली गोभी क्रश कर ली है, देख सकते हैं। मसाला डाल लिया है, ये हमारी जो है हमने यहाँ पर वो मूली मूली चोड़ ली है। मूली और गोभी के पराठे बनेंगे। और ये फूल गोभी, तो यहाँ पर सारे मसाले कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाल ली है। और उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पेठे के पकौड़े। तो हमने बेसन में सारे मसाले डाल लिए हैं और जो है ना इस तरह के यहाँ पर पेठे काट लिए हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पेठा था, तो हमने यहाँ पर सोच रहे पकौड़े बनाएंगे। और देखिए फ्राई भी हो रहे हैं और हमने टेस्ट भी कर लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किचन का काम स्टार्ट है और हम यहाँ पर गोभी के और मूली के पराठे बना रहे हैं। जो अभी बन गए हैं वह 2-3 रह गए। और इधर हमने बनाई है आज उसकी पेठे की पकौड़ियाँ, क्योंकि पेठा हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमने सोचा आज ही खत्म कर दें। तो देखिए बिल्कुल पनीर जैसा टेस्ट एकदम लग रहा है, बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रई, इसमें हमने थोड़ी सी मलाई अलग रख रखी थी, मैंने बताया आपको। तो ये आधा डिब्बा मलाई अलग है और एक डिब्बा ये भी। तो ये वाली मलाई देखिए स्टोर करके, 1 किलो का डिब्बा ये, तो ये भर चुका है और इसमें आधा डिब्बा है। यहाँ पर पानी गर्म कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर मलाई इकट्ठा हो रहा है। इसे कप ओके चलो भाई। तो फ्रेंड्स, हमारे अमूल दूध की क्रीम हो गई तैयार घर पर। तो चलिए चला देते हैं और बढ़िया सा घी निकाल लेते हैं। और जो ये मलाई दूध आता है ना, ये फुल क्रीम का दूध होता है जिसमें से मलाई निकालते हैं। तो यहाँ पर निकल चुका है हमारा मक्खन, देख सकते हैं। वाह, देखो कितना सारा निकला। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी रख लिया है बच्चों के लिए, चटनी बना लेंगे और उसके साथ बच्चे खा लेंगे। और चलिए यहाँ पर घी को कर देते हैं इसमें और चन्नी की मदद से करेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत छाए ना वो भी ना आए। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा भी हो गया है और वैसा थोड़ी सी कसर बाकी है। और अभी मुझे 10 मिनट हो गए, यानी 20 मिनट में घी, 20 मतलब 20-25 मिनट में घी तैयार हो जाएगा। और तेज गैस पर रख रखा मैंने। यहाँ पर कलर देख सकते हैं घी का, एकदम पीला पीला कलर। और ये बिल्कुल बढ़िया हो गया, एकदम परफेक्ट। और ये है हल्की सी छाए, यानी कि फूक चुकी है। और इसे हम ज़्यादा नहीं मतलब जलाएंगे, देखिए इस तरह से इसे हम ऐसे छान लेंगे। और बड़ी चन्नी ले ली मैंने, देखिए ये निकली है इसमें से
तो इस रख देते साइड। और देखिए बिल्कुल मैंने जो कहा था ना तीन पाव, तो तीन पाव घी हो गया रेडी। इधर यहाँ पर हमारा देखिए मक्खन भी तैयार है, तो इसमें से भी आधी कटोरी घी निकल जाता, तो ये मैंने रख दिया अलग, तो यहाँ पर इतना घी हो जाता। तो ये तीन पाव घी तैयार है, और अगर एक पाव घी और हो तो ये डिब्बा भर जाएगा। तो चलिए घी हो गया हमारे घर का बना हुआ रेडी, तो अब चलते हैं अंदर और करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि किचन का जो काम है वो सारा हो चुका है। तो इंसान बर्तन साफ कर दिए हैं, मैंने खाना बना दिया है, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो जितनी भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। बाय बाय फ्रेंड्स।